हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अब जो धान हमने जो सहलाया था नेक्स्ट वीडियो में, तो वो हम लेके जाएंगे मंडी और आपको दिखाते हैं फिर मंडी का क्या भाव है, क्या है सारी चीज़। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो कि धान जो भरा गया था ऑटो में, तो उसका तो हमने वीडियो बना नहीं पाया गाइस। तो जो यहाँ से वीडियो बना जाए वहाँ से आपको पूरा कंटिन्यू देखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए फिर आपको वहां से दिखाते हैं पूरा। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कि ऑटो में पूरा धान भर लिया है हमने, अब सीधे चलते हैं मंडी के लिए। गाइस देख सकते हो, अभी हम आ चुके हैं जो कि बाजार, वो आगे पढ़ने वाला है एक इंटर कॉलेज, इसका ग्राउंड है एक इंटर कॉलेज का, और यहां पर इसका गेट है, ये है आदर्श कॉलेज सुपाबाद। तो चलते हैं मंडी के लिए गाइस। तो गाइस, अभी भी एक नोटिफिकेशन मिली है हमें, जो कि आज बता रहे लोग जो कि 1 तारीख को गल्ला मंडी बंद रहती है, और दूसरी नोटिफिकेशन हमें ये मालूम पड़ा है गाइस, जो कि कुछ लोगों ने बताया था कि नहीं गल्ला मंडी बंद नहीं रहती है और सब्जी मंडी बंद रहती है 1 तारीख को। देखते हैं गाइस वहाँ पर जाके कब कौन सी मंडी बंद रहती है, अगर गल्ला मंडी बंद होगी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, या फिर सब्जी मंडी बंद होगी वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये है स्वास्थ्य सिकोबा सिटी, देख सकते हो बस इतनी सारी भीड़ रहती है हमारे यहाँ पर। ये कुछ बसें इस तरफ की हैं, मैनपुरी डिपो, ये इधर का कुछ नज़ारा है, ये ऐसा पुल बना है, बाकी सब सारी चीज़ देख सकते हो गाइस। तो इधर को हमें जाना है सीधे क्योंकि मंडी के लिए, तो आपको लेके चलते सीधे मंडी पर, वहीं आपसे बात करते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है सब्जी मंडी, मतलब टाइम ओवर होने की वजह से ये बाहर लगा रहे हैं, वैसे सब्जी मंडी अंदर भी लगती है गाइस, तो अभी साफ़ सफाई चल रही है। लगता है हमारी पहली गाड़ी जा रही है अभी सुबह सुबह, अभी तक तो कोई गाड़ी नहीं आई है। देखिए गेट भी अभी नहीं खुला है, झाड़ू वगैरह मरता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो कृषि उत्पादन मंडी समीक्षित सिकोबा फौजाबाद, ये देखिए भाई। लगता किसी की गाड़ी नहीं आई है गाइस यहाँ पर अभी भी, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जो कि 10 बजे से मंडी पूरी लगना स्टार्ट होगी गाइस। देखिए कोई भी नहीं है अभी पूरी मंडी में। तो ये है गाइस सुखाबाद की जो मंडी, जो कि सब्जी मंडी और गल्ला मंडी इसी को बोलते हैं, जो कि 4 बजे से 5-6 बजे तक यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लगती है कि जो धान जो गल्ला मंडी बोलते हैं उसे, देखिए धान पड़ा है, देखिए इसे बोलते हैंगे, जो कि व्यापारी लोग इन्हीं को बोलते हैंगे, और बोली भी गाइस यही लोग लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बोली बोलती है या ऐसे बोलती है माइक लगा के बोलती है, ऐसे कुछ नहीं होता गाइस। यहाँ पर ही सभी लोग गाड़ी के पास आपके व्यापारी आ जाएंगे, वो धानवान देखेंगे और बस वैसे ही मतलब यहाँ पर बोली लगाएंगे, कोई स्टार्टिंग करेंगे जैसे कि 2400, 2500, 2510, 2525, 2550, 2575, कुछ इस तरीके की बोलियाँ लगती हैं गाइस। तो भी आप लोग इसमें देख सकते हो कि हमारी धान की क्या बोली लगी थी। हेलो, ये बात कर रहे हो खाली करवाए वे की, तो आगे जो दिख रहे हैं एक नंबर पर इन्होंने बताया 2500, फिर पीछे वालों ने 2525, तो वो ही धनकर ले गए थे, फिर 2525 से ऊपर कोई बोला ही नहीं, तो गाइस धनकर फिर 2525 वाले ले गए बोली पर। कर रहा है,
तो ये साइकिल उतारनी पड़ेगी, कांटा होगा यहाँ पे, कांटा में दिखा दे कितना वजन बैठता है। तो भरे हुए छोटा हाथी वजन है 23 क्विंटल 5 किलो वजन। तो लौटते हैं देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हो खाली होने जा रहा है हमारा ऑटो, और यहाँ से पूरा खाली हो जाएगा। ये देखिए खुल रहा है अभी। अरे ये कहीं मिला जो है तो यही कहिए नहीं मिला ही। अब पहले ही आए लाते हैं बाप वाले का। अरे ज्यादा लूंगा ये जाइए वहीं समेलो। सो गाइस अभी जा रहे हैं खाली ऑटो को कांटा कराने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मंडी में अब कुछ भीड़ बढ़ती जा रही हैगी, और इधर भी देख सकते हो गाड़ियां आ रही आने लगी अब, और वहां भी देख सकते हो गाड़ियां काफ़ी खड़ी हैंगी जो कि बोली पर अब लग रही हैं गाड़ियां। तो देख सकते हो एक ट्रैक्टर और लगा यहाँ पर अभी। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी काफ़ी व्यापारी लगे हुए जो कि खरीदारी कर रहे हैंगे। तो खाली ऑटो होके हमारा अभी कांटे पर आ चुका है, ये भरा हुआ हट जाएगा ऑटो फिर हमारा लगेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा ऑटो ये पीछे खड़ा है, वो आप करके देख सकते हो गाइस। तो अभी ये लगता है यहाँ पे। तो गाइस हमारा ऑटो लग चुका है, और अभी आप दिखाते हैं आपको कितना बजन है खाली में। सो गाइस खाली में बैठा है 13.5 यानी कि 13 क्विंटल 5 किलो, यानी कि 10 क्विंटल हमारी टोटल धनकर हो गई है। तो फिर गाइस इस हिसाब से देखिए पूरी पर्ची हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इस पर मोबाइल नंबर डला है उनका नीचे। सो गाइस धान बेच चुका है और हमारा ऑटो वो मुड़ रहा है, तो चलते हैं सीधे घर के लिए गाइस। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैंगे, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा दौचा लग रहे हैं गाइस, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए, सूट कर लिया था। तो ये देख सकते हो कितना सारा धान लगा हुआ है गाइस, इधर भी लगा है और आगे भी लगा है। अभी तो मतलब स्टार्टिंग हुआ है, जबकि आना अभी कम आ रहा है, यानी 5-6% धान आ जाए अभी तो बहुत ज़्यादा रह गया है गाइस। तो अभी देखना अगर हमारा भी दूसरा चक्कर लगेगा तो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हे गाइस तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।